दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं यमुनानगर में, एक गांव के अंदर बना हुआ बौद्धिक स्तूपा की तरह। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे अंदर जाने देते हैं नहीं जाने देते हैं। लो जी, दृश्यम के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए हैं यमुनानगर में स्थित एक बौद्धिस्ट स्तूपा। साफ सफाई आप देख रहे हैं, कितनी अच्छी साफ सफाई यहाँ पे है। और तो बताइए भैया जी, यहाँ की विशेषता आप बता दीजिए। यह जो हमारे यहाँ क्रोजिस्टन है, जिसको लगभग 2400-2500 साल पुराना बताते हैं जी। अच्छा। इस स्तूप के अंदर महात्मा बुद्ध का कोई भी अवशेष, जैसे उन्होंने कहीं पर दांत कहीं पर नाखून रख के इन स्तूप का निर्माण करवाया था। अच्छा। और यह अशोक सम्राट द्वारा बनवाई गई थी स्तूप, और 2004 में इसकी रिपेयर का काम शुरू है 2007 तक। अच्छा, तो यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं इधर? हाँ हाँ, टूरिस्ट आते रहते हैं यहाँ पर, चाइनीज लोग आते हैं, अपनी पूजा अर्चना करके चले जाते हैं। अच्छा, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सफाई कितनी अच्छे तरीके से मेंटेन करा हुआ है गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे। ये जो भैया मेरे साथ है, इनकी मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि अलाउड नहीं किया इन्होंने, तो साथ साथ मैं इनसे बातें कर रहा हूँ और आपको कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ की जो अच्छी से अच्छी जानकारी है जितनी डीप में हो मैं आपको दे पाऊँ। और आप भी यहाँ पे आए स्तूपा के आप देखने के लिए, टूरिस्ट का काफी अच्छा प्लेस है। एक छोटे से, कौन से गांव के अंदर आता है ये? चनेटी गांव है, जिला यमुनानगर, चनेटी जिला में। और जैसे किसी कहीं टूरिस्ट आते हैं उनके पास अपना कन्वेंस नहीं होता, तो वो यमुनानगर से कैसे आ सकती है यहाँ पे? यमुनानगर से तो या तो अपना साधन ही लेकर आते हैं तकरीबन। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो वैसे कोई ऑटो का साधन? ऑटो लेकर भी आते हैं बूढ़िया चौक से, और अपना भी गाड़ी गुड़ी से आ जाती है। अच्छा हाँ जी। तो भैया ने जैसा कि आपको यमुनानगर से, अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है तो आप बूढ़िया चुंगी, हाँ बूढ़िया चौक से वहाँ पहुँचे, वहाँ से आपको ऑटो, प्राइवेट ऑटो हायर करके आप इजिली यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या यमुनानगर से भी प्राइवेट ऑटो करके आ सकते हैं। तो आपको कितना टाइम हो गया इधर? मैं लगभग 1993 में भर्ती हुआ था जी इस डिपार्टमेंट में। अच्छा, तब से यही हो? और ना, मैं 10 साल कपाल मोचन में गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट म्यूजियम है वहाँ पर। अच्छा, मैं 10 साल वहाँ पर रह के आया हूँ। 2020 में रिटायर हो गया था अभी। अच्छा, अब दोबारा विभाग ने मुझे सेवा का मौका दे रखा, मैं अभी पार्ट टाइम पे हूँ, एक सिक्योरिटी गार्ड हो रहा है। अच्छा, वो आज इसकी रेस्ट है जी। तो इसका रख रखाव जो है वो गवर्नमेंट कर रही है? हाँ जी, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हाँ जी हाँ जी। तो जैसे हर कहते हैं ना कि एक धार्मिक स्थान की एक विशेषता होती है कि उसको इस विषय पर बनाया गया, या उसकी खासियत कोई? देखो, मैं इतना पढ़ा लिखा था नहीं, पर जैसा सुना मैंने भी, जहाँ जहाँ पर शिक्षा का केंद्र है ना, वहीं पर अशोक सम्राट जी ने इन स्तूपा का निर्माण करवाया था। अच्छा। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर सुख गांव पड़ता है दक्षिण दिशा में, सुख गांव, वहाँ पर भी विभाग ने 2-3 बार खुदाई की। वहाँ पर मिट्टी के बर्तन और कांच के जो मणके मुड़के होते थे, इस तरह का प्राचीन सामान काफी मिलता है। काफी मिला, तो आज भी वहाँ वो खुदाई का अवशेष है? खुदाई पर अब तो ट्रैक्टर की खेती हो गई, खेती हो गया ऊपर, अब जो भी होता है टूट फूट जाता है। अच्छा, और जैसे ये मैं देख रहा हूँ ये जो गेट बना हुआ है, ये मेन गेट था पहले या? ये तो बाद में बनवाया जी। अच्छा, ये बाद में गवर्नमेंट ने बनवाया? हाँ जी, ये टूरिज्म वाले ने बनाया बाद में इसको। जी, तो यहाँ के बारे में एक बताइए कि टूरिस्ट यमुनानगर अगर आए तो यहाँ कैसे और इजिली पहुँच कैसे सकते हैं? यमुनानगर से सीधे बूढ़ी चौक, और बूढ़ी चौक से बूढ़ी रोड से सुखमणि पैलेस से सीधी। अच्छा, चनेटी में।
सड़क है। तो ऑटो या कन्वेंस इजीली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि कुछ टूरिस्ट होते हैं जिनके पास अपने व्हीकल नहीं होते। आ जाते हैं। और यहाँ की विशेषता आप बताइए कुछ। विशेषता ये 2500 साल पुराना है यहाँ, ऐतिहासिक बहुत स्थूप। हाँ जी। और ये सम्राट अशोक ने बनवाया था, इसी के उसके अवशेष हैं इसमें। अच्छा, इसके बीच में अवशेष हैं उनके। उसके अवशेष हैं, बस अस्थियां उनकी। अच्छा, तो टूरिस्ट वैसे आते रहते हैं यहाँ पे काफी संख्या में, पूर्णवासी को यहाँ, वो भी मतलब जिनकी आस्था है इसमें, पूर्णमासी को पूजा और अर्चना। वो तो वैसे तो सारी बार ही है वहाँ पर, पूर्णमासी को ज्यादा, पूर्णमासी पे ज्यादा आते हैं। लोकल आर्मी भी जो उनसे है वो भी आते हैं। अच्छा, तो जैसे अंकल जी ने बताया कि पूर्णमासी का दिन यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से त्यौहार मनाया जाता है, तो उस दिन भी आप आए तो यहाँ के त्यौहार का भी आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद अंकल जी। कलाकारी आप देख रहे हैं कि पुरानी जो भी कलाकृति होती थी हेरिटेज और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सारा जो है यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, और ये बाद में यहाँ पे गेट बनाया गया है गवर्नमेंट के उससे। ये देखो जी, सो दोस्तों दृश्यम के आज के एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मैं आपके लिए काफ़ी यूनिक जगह ढूंढने की कोशिश करता हूं कि कोई लोकेशंस आपको दिखाई जाएं जहां आपको घूमने में मज़ा आए, जो आपको देखने में मज़ा आए, और कलाकृति जिसकी बेस्ट हो। तो ऐसे ही आज मैं आया था बौद्ध स्तूपा यमुनानगर में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे हर एपिसोड में ऐसे ही यूनिक लोकेशंस आपको दिखती रहेंगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में दृश्यम में, ब्रेक के बाद। बाय बाय दोस्तों।